नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ऑनलाइन ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको एस लेटर की हेल्प से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बहुत ही खूबसूरत सा रंगोली बनाना सिखाएंगे। केवल डिज़ाइन बनाएंगे और इसको कलर भी करना सिखाएंगे। अगर आप इसको फर्श पे बना रहे हैं तो चौक उठा लीजिए, केवल डिज़ाइन बना रहे हैं तो आप यहाँ पे पेपर उठा लीजिएगा। अब देखिएगा, अब आपको करना क्या है, एक आप पहले एस लेटर लिख दीजिएगा। एस लेटर लिखना तो सभी को आता ही होगा। ये हो गया हमारा एस लेटर। एस लेटर लिखने के बाद ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम ऐसे नीचे के साइड में ले जाएंगे, एक छोटा सा हाफ सर्किल बनाइएगा, इसको ऐसे हम मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों, यहाँ से अंदर की तरफ आपको इसको डबल करना होगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखते रहिएगा दोस्तों। यहाँ से ऐसे ले जाइए और इसको आगे की तरफ करिएगा, यहाँ से मिला दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, हल्का सा यहाँ पे हाफ सर्किल बनाते हुए इसको और आगे की तरफ बढ़ाइएगा, इधर ऐसे हम मिला देंगे। अब आप यहाँ से एक वी लेटर लिख दीजिए। वी लेटर लिखने के बाद इधर से एक वाटर ड्रॉप बनाइएगा, एक छोटा सा और वाटर ड्रॉप बनाइए, एक ऊपर के साइड में बना दीजिएगा। वाटर ड्रॉप्स बनाने के बाद दोस्तों, एक लाइन इधर ड्रॉ करिए, एक छोटी सी लाइन इधर, एक इधर, एक आप इधर करिएगा। आप अगर और चाहते हैं तो और यहाँ पर लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं। एक छोटा सा सर्किल बनाइए, हर जितने आपने लाइन ड्रॉ किया है उसके साथ आप छोटा छोटा इस तरह सर्किल बना दीजिएगा। सर्किल बनाने के बाद दोस्तों, अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। यहां पे ऐसे करिए, फिर इसके बाद एक और लेप्स यहां पे ऐसे बना दीजिएगा। लेप्स बनाने के बाद अब ध्यान से देखिएगा, इधर से आपको एक छोटा सा हाफ सर्किल बनाना होगा, यहाँ पे ऐसे डबल करिएगा। डबल करने के बाद एक बड़ा सा हाफ सर्किल बनाइए, इधर ऐसे ले जाइए और इसको आप ऐसे मिला दीजिएगा। छोटे छोटे हाफ सर्किल बनाइएगा यहाँ पर। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ दोस्तों, तो इसको लास्ट तक देखते रहिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पर ऐसे छोटा सा हाफ सर्किल, एक इधर, 1, 2, 3, 4 एंड 5 हो गया। और कमेंट बॉक्स में जाकर दोस्तों, आप हमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी ज़रूर विश करिएगा। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे लिप्स बनाइएगा। इस लिप्स की हेल्प से हम बनाएंगे मोर का पंख। अभी आपको बने यहाँ पे जब आप छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर देंगे, बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ जाएगा। इसी तरह आपको यहाँ पे जितने भी आपको यहाँ पे लिप्स दिख रहे हैं, सबके साथ रिपीट करना होगा। छोटा सा पॉइंट लगा दीजिए और इधर आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ तक अभी तो हम इसमें छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करेंगे। एक में हम मैं करके अभी दिखा दे रहा हूँ, अभी इसको हम थोड़ा सा फास्ट में करके आपको दिखाएंगे। यहाँ तक हो जाने, अब आपको इधर से एक छोटा सा हाफ सर्किल बनाना होगा, यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ करिएगा। एक आप यहाँ पे ऐसे छोटा सा दिया भी बना दीजिएगा, तो बहुत ही खूबसूरत सा लुक आ जाएगा। अब आप चाहें तो यहाँ पर, चाहे नहीं आप बनाइएगा ही, यहाँ पर ऐसे लाइन डबल करिएगा। एक लाइन इधर ऐसे ले जाइए, इसको मिलाइए, छोटा सा यहाँ पे लाइन सर्किल बनाइएगा, छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ करिएगा, छोटा सा पॉइंट लगा दीजिए। इधर से भी आप ऐसे कर दीजिएगा, तो यहाँ पर हम मोर को भगवान कृष्ण जी की बांसुरी पकड़ा देंगे। तो ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा रंगोली बन के तैयार हो गया। चलिए इसको अब हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसको कलर भी करना सीख लेते हैं। Thank you.
हैं।